नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रामराज उपाध्याय। RRU TV में आपका स्वागत है। आज हम आपको नारियल की बर्फी के बारे में बता रहे हैं। तो नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले आप नारियल ले लीजिए। ये देखिए, जैसे हम नारियल बाज़ार से लाए हैं, नारियल लेने के बाद शक्कर हम ले लेते हैं। और हम ज़्यादा तादाद पर बना रहे हैं, इसलिए हम आपको कम में बताते हैं। आप 1 किलो नारियल और 1 किलो शक्कर ले लीजिए। ये हमारा खोआ है, और खोआ अगर घर पे बनाते तो बहुत अच्छी बात है। 1 किलो नारियल, 1 किलो शक्कर, आधा किलो खोआ, ये हम ज़्यादा फार्मूले बता रहे हैं। और ये हमारा देसी घी है। ये हम जो बर्तन में बर्फी बना के डालेंगे, वो बर्तन में तेल लगा के रखते थे पहले। उसके बाद ये शक्कर है, शक्कर की हम चाशनी बना लेते हैं। अब चाशनी हम बना रहे हैं, तब तक हम आपको पूरा ब्यौरा किलो के हिसाब से बता देते हैं, क्योंकि हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं, वो अक्सर उनको ये बात की परेशानी रहती कि आप जो वहाँ बनाते वही ये बताते, तो आप किलो के भाव की नहीं बताते। 1 किलो आप नारियल ले लीजिए, 1 किलो शक्कर, आधा किलो खोआ, और करीब 30 ग्राम तक आप देसी घी ले लीजिए। ये हो गया हमारा किलो के भाव से। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। और चाशनी बनाने के बाद हम आगे के ब्यौरा आपको बताते रहेंगे। साथी मित्रों या बहनों, बात ये रहती है कि हमारे पास जब हम जहाँ बनाते हैं, कैटरेस में या कोई मिठाई की दुकान में, तो सबसे बड़ी बात ये होती कि वहाँ शोर बहुत तेज़ रहता। तो कई बार वीडियो बनाने में हमको बहुत ही परेशानी जाती। जैसे आप सब अगर होटलों में जाते होंगे या मिठाई दुकान में, कारखाने में तो जाने नहीं देते बहुत से लोगों को, और बहुत से लोग जाते हैं देखने के लिए कैसे क्या बनता, तो वहाँ शोर बहुत तेज़ रहता। इसलिए हमको शोर का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम अपना खोआ जो है वो फोड़ लेते हैं। और ये खोआ खोआ हम फोड़ लेते बारीक हैं, फोड़ लो। अब फोड़ने वाला मानुस मैं और दिखा लेता बारीक है, बारीक देखो। फोड़ पर लेते हैं। छोपड़ा भाई इधर करना, इधर हो जाओ, इधर इधर अभी इधर, रहा है क्या ना? अब इधर इधर साइड। ये शादी के लिए बहुत बेकरार हैं। अभी तक 4 रिश्ता आ चुका है और सबके शादी के नाम से लेके सबको जला रहे हैं। बाकी ब्यौरा मैं बाद में बताऊंगा, शादी के बाद। ये साथी मित्र हैं, थोड़ी हंसी मजाक चलती रहती है आपस में रहते हैं तो। और वास्तविक की बात है कि ऐसी आपस में बात चलती रहती तो होते रहता। अब चलो बात इसकी कि हमारी ये शक्कर गल गई है, और शक्कर गलने के बाद थोड़ी शक्कर चाशनी हम गाढ़ी करेंगे और फिर आपको ब्यौरा बताएंगे। और एक बात और कि यूट्यूब पे हम भी वीडियो देखते रहते तो उसमें बार बार लोग चिल्लाते रहते कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम ये कहते हैं कि न तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, न सब्सक्राइब कीजिए, न शेयर कीजिए, मगर वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये। और ये हमारी चाशनी अब देखिए उबल रही है धीरे धीरे। और जैसे कि जो बर्तन में हम डालें बर्फी बना के डालेंगे, उसमें हम तेल पहले से लगा देते, सब व्यवस्था पहले से कर देते। हम चाशनी भी आपको बता देते कि कैसा होता है। ये देखिए चाशनी हमारी बन गई है। जब हाथ में चिपचिपे जैसे चिपकने लगे तो ऐसा होता है। साथ ही हम अपना नंबर भी आपको दे देंगे, अगर किसी बात की परेशानी हुई तो आप हमको कॉल ज़रूर कीजिए। एक भाई समझ के आप ज़रूर कॉल कीजिए। और हम जो खोआ फोड़े थे, अब इसमें हम डाल लिए हैं, और डाल के जो खोआ है उसको बारीक बारीक मतलब कि फोड़े हैं। अब उसमें हम डाल के एक इससे चला रहे हैं जिसमें कि हमारा खोआ गल के उसमें सब गल जाए, जो शक्कर का पाग है और खोआ सब मिश्रण बन जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी देसी घी डालेंगे। आप 1 किलो में 20 ग्राम तक देसी घी डाल सकते हैं, देसी घी डालना ज़रूरी है। इससे हमारा जो खोपरे का खुशबू रहता वो चला जाता, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता। और हमें देसी घी डाल दिए, हमें फिर से इसको मिलाएंगे अच्छे से मिला लें। एक बार एक गलती मैंने किया था
जो कि बेसन की बर्फी बना रहे थे, उसमें हम चाशनी का क्लियर नहीं किए थे। हमारी एक दो बहनें फ़ोन की और बताई कि आप ये ऐसा काम किए हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ उनसे। उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है, मगर उनसे हम माफ़ी मांगते, इसलिए हम चाशनी का आपको क्लियर हर एक बार कोशिशें कर रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पहुंचाई जाए। और हम खोपरा डालिए हमारे चाशनी बन के, जब सब मिश्रण हो गया तो खोपरा डाल नारियल डाल चुके हैं। अब डाल के हम इसको अच्छे से बाकायदा बढ़िया से मिलाएंगे, जैसे कि मिलाया जाता है। और उसके बाद हमें शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहे कि हमारे पास भी टाइम नहीं रहता, जैसे कि आप सब जानते हैं, ऊपर से भी दबाव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बना के दें, उसी में हम आपको आपके लिए वीडियो पहुँचाते हैं। अब हम मिश्रण तैयार हो गया और हम ये बर्फी अब ट्रेन निकाल चुके हैं, और अब हम इसको फैलाएंगे किसी, जैसे हम ये छोटा सा करछुली से चला रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर कई जी। लोग सन्नाटा भी बोलते हैं, इससे हम चारों तरफ फैला रहे। फैलाने के बाद हम उसको उसी सराटे में या कलछुल में हम एक पन्नी डाल के उसको फिर से व्यवस्थित चिकना करेंगे, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब हमारा सब हो जाए तो आप इसको 3 घंटे 4 घंटे तक फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने के बाद जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाए तो आप काट के सर्व ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो हमको कॉल करके ज़रूर बताएं कि आपका बताया हुआ फार्मूला अच्छा था या ख़राब था। इसके लिए कॉल करने में आप मत खिचखिचाइए, आप एक भाई समझ के हमको ज़रूर कॉल कीजिए। या कोई चीज़ आप बनाना रहे, नमकीन स्नैक्स या फिर मिठाई के बारे में, तो हमको आप कॉल ज़रूर कीजिए, हम नंबर आपको ज़रूर दे देंगे इस पे। और किसी भी विषय में आपको पूछना रहा तो हमसे आप बात ज़रूर कर सकते हैं, बेझिझक, कोई मतलब कि किसी बात की आपको परेशानी नहीं होगी, या कोई हम बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि किसी के नंबर पर आ गए तो बदतमीजी करते, ये सब नहीं होगा आपके साथ, खासकर हमारी बहनें हैं तो। और बहुत सी बहनें फ़ोन भी करके पूछती रहती, हम नंबर एक डालते ही रहते। अभी हम अपना नारियल की जो बर्फी है, अब उसमें देखिए जो हमारा चम्मच है या छोटा सराटा बोलते हैं, उसमें हम एक पन्नी बांध के चिकना कर रहे हैं। चिकना करने के बाद ये देखिए आराम से हम चिकना करें, किसी कोई भी माल बनाएं, पहली बात तो हड़बड़ाए ना, दूसरी बात आप डरे ना कि बिगड़ जाए, कभी नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप व्यवस्थित देखेंगे और करेंगे तो नहीं बिगड़ेगा, ये हमारा वादा है आपसे। और ये चिकना हो गया, अब उसको हम चिकना होने के बाद 10 मिनट तक बाहर रखेंगे, जिसमें कि जो उसका गर्मपन है वो हट जाए। जब बर्फ़ी ठंडी हो जाएगी तब हम उसको फ्रिज में डालेंगे। अब फ्रिज में डालने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको काट के सर्व करेंगे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। हाँ यह है कि मेहनत का काम तो ज़रूर रहता, इसमें कोई कहने या पूछने की बात नहीं है, मगर जब मीठा बन के तैयार होता है तो खाने का मज़ा भी कुछ और होता है। और ख़ासकर जब मेहमान लोग बोलते कि वाह क्या बात है, घर पे आप मिठाई बनाते, बहुत ही अच्छा हलवाई हैं या किंग मेकर हैं, तो बहुत ही सुनने में अच्छा लगता। चलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कॉल ज़रूर कीजिएगा।